नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड को मिली वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात, पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी। झारखंड को मंगलवार को वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रांची पटना वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का ऑनलाइन उद्घाटन किया। हरी झंडी दिखाने के साथ ही वंदे भारत रांची से पटना के लिए रवाना हो गई। उद्घाटन कार्यक्रम से पहले वंदे भारत एक्सप्रेस रांची रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी थी। उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर रेलवे स्टेशन पर पूरी तैयारियां की गई थी, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। पहले दिन विभिन्न स्कूलों के बच्चों को भी वंदे भारत में फ्री में सफ़र कराया जा रहा है। बता दें, रांची पटना वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर रांची रेलवे स्टेशन पर पूरी तैयारियां की गई थी। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पंडाल बनाया गया है। वहीं दक्षिण पूर्व रेलवे की महाप्रबंधक अर्चना जोशी, DRM प्रदीप गुप्ता सहित अन्य अधिकारियों ने कार्यक्रम को लेकर सोमवार को तैयारियां का जायजा लिया था। स्टेशन और स्टेशन के बाहर वंदे भारत के उद्घाटन को लेकर बड़े बड़े कट आउट लगाए गए। स्टेशन परिसर के साथ साथ रेलवे ट्रैक पर भी साज सज्जा की गई, जो काफ़ी आकर्षक लग रहा था। रांची सिविल कोर्ट में अमित महतो का आत्मसमर्पण। रांची सिविल कोर्ट में पूर्व विधायक अमित महतो ने सरेंडर कर दिया है। आत्मसमर्पण के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। पूर्व विधायक ने आत्मसमर्पण से पहले कहा है कि खतियानी के लिए वो कोई भी सजा भुगतने को तैयार हैं। बता दें, सिल्ली विधानसभा के पूर्व विधायक अमित महतो ने मंगलवार 27 जून को रांची व्यवहार न्यायालय में सरेंडर कर दिया। जिला व्यवहार न्यायालय के ADJ 18 के समक्ष अमित महतो ने सरेंडर किया। इसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। इस मामले को लेकर अमित महतो के वकील ने बताया कि वर्ष 2006 में तत्कालीन अंचलाधिकारी आलोक कुमार के द्वारा उनके मुवक्किल पूर्व विधायक अमित महतो पर मुकदमा दायर किया गया था, जिसको लेकर वर्ष 2018 में 2 साल की सजा सुनाई गई। जिसके बाद अमित महतो के वकील ने झारखंड हाईकोर्ट में अपील की, जिस पर हाईकोर्ट ने अमित महतो की सजा को कम करते हुए 1 साल कर दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन देवघर के लिए नहीं भर पाए उड़ान। मंगलवार को खराब मौसम के कारण मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का देवघर दौरा रद्द हो गया। दौरा रद्द होने पर BJP विधायक रणधीर सिंह ने CM पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि सड़क मार्ग से भी CM देवघर आ सकते थे, जनता के साथ उन्होंने मजाक किया है। बता दें, मौसम की खराबी की वजह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का देवघर दौरा काफ़ी इंतजार के बाद रद्द करना पड़ा। दरअसल सुबह से ही रांची में लगातार बारिश हो रही थी, विजिबिलिटी भी बहुत कम थी। मुख्यमंत्री को दोपहर 12 बजे रांची स्थित स्टेट हैंगर से हेलीकॉप्टर के जरिए देवघर के सारठ के लिए प्रस्थान करना था। वह तय समय पर रांची एयरपोर्ट पहुंच भी गए थे, लेकिन खराब मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पाया। रांची पटना वंदे भारत के समय में बदलाव की उठी मांग। PM मोदी के द्वारा ऑनलाइन हरी झंडी दिखाए जाने के बाद रांची पटना वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत हो गई है। 28 जून से वंदे भारत नियमित रूप से चलने लगेगी। रांची से पटना की दूरी महज 6 घंटे में पूरी करने वाली इस ट्रेन की टाइमिंग को लेकर सवाल उठने लगे हैं। रेल यात्री संघ ने इसका विरोध करते हुए समय बदलने की मांग की है। रेल यात्री संघ के प्रेम कटरुक्का ने कहा है कि चूंकि पटना और रांची के बीच जनशताब्दी और वंदे भारत एक्सप्रेस के समय में महज 2 घंटे का अंतर है, इस वजह से समय बदलने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा है कि रेलवे को अभी अंदाज़ा नहीं है, मगर जल्द ही इसका आभास हो जाएगा। उन्होंने वंदे भारत ट्रेन के किराए पर भी एतराज जताया है। वंदे भारत ट्रेन के समय को लेकर उठ रहे सवाल पर रेलवे ने सफाई देते हुए कहा है कि काफ़ी मंथन के बाद समय निर्धारण किया गया है। रांची से पटना के बीच 4 ट्रेन वर्तमान समय में चल रही है। वंदे भारत 5वीं ट्रेन है, जो लोगों को सबसे कम समय में पहुंचाने का काम करेगी। श्रावणी मेले में 9,000 से अधिक जवान होंगे तैनात। बाबा भोले की नगरी देवघर में शिव भक्तों की भीड़ उमड़ने वाली है। श्रावणी मेला 2023 की शुरुआत 4 जुलाई से हो रही है। इस दौरान लाखों की संख्या में शिव भक्त भगवान भोले को जल अर्पण करने के लिए देवघर पहुँचेंगे। ऐसे में पूरे देवघर की सुरक्षा व्यवस्था बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। हर बार की तरह इस बार भी पुलिस मुख्यालय के द्वारा श्रावणी मेले की सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। करीब 9,000 जवान और पुलिस के अफसर मिलकर श्रावणी मेले की सुरक्षा की जिम्मेवारी संभाल रहे हैं। 30 जून से सभी देवघर में अपनी ड्यूटी संभालेंगे। बता दें, 4 जुलाई से श्रावणी मेला का आगाज होने वाला है। इस बार यह बेहद ही खास भी है, क्योंकि मलमास होने की वजह से इस वर्ष श्रावणी मेला 2 महीने तक चलेगा। यही वजह है कि सुरक्षा बलों की तैनाती भी 1 सितंबर 2023 तक रहेगी।
कोडरमा के वनरक्षी को एसीबी के टीम ने रंगे हाथों किया गिरफ्तार। हजारीबाग से कोडरमा आईएनटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने जिले के वनरक्षी अमरेंद्र कुमार को घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। वनरक्षी अमरेंद्र कुमार ने पेड़ों की कटाई के एक मामले में शिकायतकर्ता से घूस मांगा था। शिकायतकर्ता सूरज कुमार को शीशम की लकड़ी की चिराई के लिए आरा फैक्ट्री ले जाना था। लकड़ी के परिवहन के लिए परिवहन के परमिशन की जरूरत होती है। सूरज कुमार ने जब परमिशन के लिए आवेदन दिया तो वनरक्षी ने सूरज से 5,000 रुपये का घूस मांगा। वनरक्षी द्वारा मांगी गई रकम के एवज में शिकायतकर्ता सूरज कुमार के द्वारा 4,000 रुपये घूस देते रंगे हाथ एसीबी की टीम ने वनरक्षी को गिरफ्तार किया है। विस अध्यक्ष के बयान पर बीजेपी और जेएमएम आमने सामने। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो द्वारा राजभवन के खिलाफ की गई टिप्पणी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मंगलवार को भाजपा के एक शिष्टमंडल ने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात कर स्पीकर के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई करने की मांग की है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश सिंह के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से कहा है कि विधानसभा अध्यक्ष मुख्यमंत्री तथा सरकार के संवैधानिक पद पर बैठे लोगों के द्वारा लगातार असंसदीय और असंवैधानिक वक्तव्य दिए जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये सब इनके आचरण और व्यवहार का अंग बन चुका है। झारखंड के सरकारी स्कूलों में नए सत्र की अब तक नहीं मिल पाई किताब। झारखंड के सरकारी स्कूलों में नया सत्र 1 जून से ही शुरू हो गया है। अभी तक बच्चों को नए किताब नहीं मिल पाई है। स्कूलों में पुरानी किताबें से ही बच्चों का पठन पाठन कराया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार अभी कई प्रकाशकों द्वारा किताबें जिला स्तर पर ही पहुंचाई गई है। वह भी कुछ ही कक्षाओं की किताबें पहुंच पाई है। भले ही नया सत्र शुरू होने के बाद गर्मी के कारण स्कूल बंद रहे, लेकिन बच्चों को किताबें 1 जून से पहले मिलनी चाहिए थी। 22 जून से तो स्कूल पूरी तरह खुल गए हैं। वहीं दूसरी तरफ झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने जून के पहले सप्ताह में सभी जिला पदाधिकारियों को पत्र भेजकर किताबें के वितरण को लेकर दिशा निर्देश दिया था। रांची नगर निगम चुनाव, झारखंड हाई कोर्ट नाराज। झारखंड हाई कोर्ट में नगर निकाय चुनाव जल्द कराने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई। नगर निगम के पार्षदों के द्वारा नगर निकाय चुनाव जल्द कराने और अवधि विस्तार की मांग की गई। इस मामले पर मंगलवार को न्यायाधीश जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में सुनवाई हुई। हालांकि इस दौरान अदालत ने सरकार और नगर निगम से नाराजगी जताई है। बता दें कि न्यायाधीश जस्टिस राजेश शंकर की कोर्ट ने इस मामले पर सरकार और निगम से जवाब मांगा था, लेकिन जवाब नहीं दाखिल किया गया। इस कारण अदालत ने अपनी नाराजगी जताई है। आरकेडी कंपनी के प्लांट में 2 मजदूरों की मौत। गुमला जिला अंतर्गत सिसाई प्रखंड के रेड़वा स्थित आरकेडी कंस्ट्रक्शन कंपनी के प्लांट में ऑपरेटर और फोरमैन की लापरवाही से मिक्सर मशीन में पीस कर मंगलवार को 2 मजदूरों की मौत हो गई। मृतकों में बिरकेट्टा महुआ टोली निवासी भरत गोप, मुर्गू अम्बा टोली निवासी प्रदीप उराव हैं। घटना दोपहर करीब 1 बजे की है। घटना के बाद प्लांट में मौजूद सभी कर्मचारी फरार हो गए। सूचना पर प्लांट पहुंचे सैकड़ों ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। प्लांट के मशीन व वाहनों में तोड़फोड़ किया गया। भाग रहे प्लांट के मैकेनिकल फोरमैन मनोरंजन जेना को खदेड़ कर पकड़ा और प्लांट लाकर उनकी जमकर पिटाई की है। धन्यवाद।